हेलो एवरीवन, पावर सिस्टम्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस के अंदर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं जिन्हें हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की स्टडी के दौरान यूज करते हैं। इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प लेकर आपको समझाऊंगा, और इस वीडियो के अंदर पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर तीन वोल्टेज फेजर्स हमें दिए हुए हैं, VA, VB एंड VC। इनके मैग्नीट्यूड एंड एंगल हमें दिए हुए हैं और फेजर डायग्राम हमने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, और हमसे पूछा गया है फाइंड सीक्वेंस कंपोनेंट्स फॉर द अबव वोल्टेज फेजर्स। तो इन वोल्टेज फेजर्स के लिए हमें सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम इस फेजर डायग्राम को देखें तो ये एक बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम का फेजर डायग्राम है, क्योंकि तीनों वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों वोल्टेज फेजर्स आपस में 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड हैं। तो एक तरह से हमें एक बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम के लिए सीक्वेंस कंपोनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर ओरिजिनल सिस्टम के वोल्टेजेस की वैल्यू हमें दी हुई है तो उनकी हेल्प से सीक्वेंस कंपोनेंट्स में वोल्टेज की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। और यहां पर मैं ए फेजर के लिए तीनों सीक्वेंस कंपोनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो अगर यहां से वी ए नॉट की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो वो हो जाएगी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। तीनों वोल्टेजेस की वैल्यू रखने के बाद और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद वी एन आउट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट फॉर ए फेजर। तो वी ए वन की वैल्यू हो जाएगी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय वी ए प्लस अल्फा वी बी प्लस अल्फा स्क्वायर वी सी। अल्फा की वैल्यू होती है 1 एट एन एंगल 120 डिग्रीज। तो जब इन वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, और इसे सॉल्व करने के बाद वी ए वन की वैल्यू आ जाएगी 10 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट फॉर ए फेजर। तो वो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय वी ए प्लस अल्फा स्क्वायर वी बी प्लस अल्फा वी सी। वैल्यूज पुट करने के बाद और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद वी ए टू की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। तो यहां हम देख रहे हैं कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू आ रही है 0, और पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट हमें मिल रहा है 10 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो इसका मतलब फेज बी और फेज सी के लिए भी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। और अगर फेज ए के लिए, फेज बी और सी के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो सिंपली मैग्नीट्यूड यहां पर सेम रहेगा और एंगल 120 से लैग करता जाएगा। तो वी बी वन की वैल्यू हो जाएगी 10 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्रीज। 30 में से हम 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -90 आएगा। वी सी वन कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और इस 30 में हम 120 ऐड कर देंगे, क्योंकि जो सी फेज है वो इस वी ए को 120 से लीड करेगा। तो ये हो जाएगा 10 एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्रीज। तो फाइनली जो ओरिजिनल सिस्टम हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारा ओरिजिनल सिस्टम है, और इसको हम तीनों सीक्वेंस कंपोनेंट्स के एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और ये नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, जिनकी वैल्यू 0 है। तो यहां से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें मिल रहा है कि एक बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम के लिए सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू हमें हमेशा 0 मिलेगी, और केवल पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट हमें वहां पर नॉन जीरो मिलेगा। और पॉजिटिव सीक्वेंस जो फेजर है उसके मैग्नीट्यूड और एंगल भी ओरिजिनल सिस्टम के अंदर वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड और एंगल के इक्वल होंगे। तो ये हुआ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस के अंदर पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीक्वेंस कॉम्पोनेंट्स फॉर अ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।